Okay, let's start. Good afternoon to all. Today we'll further go with the options available in Excel. Okay, so last time we talked about Visual Basic scripts and how do we create modules. We were doing one example which was left over, so let's continue from the same area. I'll move on to the book first of all. We did how to create a function, right? Function is basically, see, when you use Excel, Excel mein bahut sare functions hai, inbuilt functions hai, sum hai, average hai, count hai, max, min hai, right? So you can use those functions to do certain calculations. Like if you want to find sum of certain values present in different cells, so aap straight away wahan pe ek function laga ke aur range mein specify karke aap sum kar sakte ho. ऐसे ही इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन फंक्शन लाइक आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन नेम मल्टीप्लाई लेट्स से कि जो भी दो नंबर इससे पहले रेफरेंस में होंगे उनके हम मल्टीपल उनके उनको मल्टीप्लाई करके आंसर दिखाना है राइट. यू वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन योर सेल्फ सो फॉर दैट वी हैव अ ऑप्शन इन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट राइट. फॉर दैट वॉट यू नीड टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल using macros as a function, you have to create a macro. You need to go to click on Visual Basic button first of all in the code group category in the developer tab. Developer tab mein jao, code group category mein Visual Basic button hoga, click karo, then go to insert menu and then click on module. So that will add up a new module. So for adding up a module is basically your function module, right? If you want to create a function, देन ये मॉड्यूल आपका खुलेगा. यहाँ पे आपको एक कोड क्रिएट करना होता है. अब ये कोड क्या है बेसिकली, दिस इज विजुअल बेसिक कोड. नाउ दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग यू कैन से. तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम का एक हिस्सा डालेंगे जिससे कि मल्टीप्लिकेशन हो जाए. सो वी नीड टू राइट पब्लिक फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट, लाइक मल्टीप्लाई नाम से मुझे फंक्शन वहाँ क्रिएट करना है. सो ये आपके इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन में दिखेगा जहाँ पे हम एड सम एवरेज डालते हैं ना, वहीं से. So give a name, like multiply is the name given. In bracket, you've tried one variable name here, right? ये variables क्या होते हैं? ये basically इनको बोलते हैं named storage locations. मतलब यहाँ पे हम कुछ value को save कर सकते हैं, right? ये एक memory में ऐसा location बन जाता है where certain value can be saved, right? So we have to give name to that particular value, that location. तो उसको वेरिएबल को के नाम देना होता है. जैसे मैथ्स में हम वेरिएबल करते हैं एक्स वाई जेड एंड ऑल दोस, इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग. इफ यू राइट एक्स आल्सो, वी कैन राइट एक्स आल्सो हियर. वी कैन पुट एक्स एज डबल. एक्स मतलब एक वेरिएबल का नाम है एक्स, जिसके अंदर यूजर जब भी कोई एंट्री करेगा वो उस एक्स में सेव हो जाएगा, राइट. सो वी हैव टू गिव अ वेरिएबल हियर. और मल्टीप्लाई जितनी टर्म्स को करना है, लाइक इफ यू वॉन्ट टू मल्टीप्लाई थ्री टर्म्स, देन यू हैव टू राइट यहाँ पे लिखा है वेरिएबल नेम नंबर वन दिया है, या आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स दे सकते हो, वाई दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दो. एज देन हेयर यू राइट डबल इंट और वट एवर. इंट का मतलब होता है नंबर्स विदाउट डेसिमल वैल्यू, डबल का मतलब होता है कि नंबर्स विद डेसिमल वैल्यू. तो यहाँ डबल लिखोगे तो जो भी नंबर आप यूज करना चाहते हो वो डेसिमल वाले नंबर भी यूज कर सकते हो, इंटीजर भी यूज कर सकते हो. और अगर आपको सिर्फ इंटीजर करना है तो देन यू हैव टू राइट एज इंट, राइट. ये डेटा टाइप्स होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग्स में यूज करते हैं. हर डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स. लाइक फॉर इंटीजर वी यूज इंट, फॉर इंटीजर्स विद डेसिमल वैल्यूज वी यूज डबल, फॉर कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स वी यूज कैर, फॉर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लाइक नेम्स एंड ऑल और सेंटेंसेस वी यूज स्ट्रिंग. So there are different kind of variables, data types that we have, but we have to mention it. क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग कोड जनरेट करता है तो हमें मेंशन करना पड़ता है, कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा है इसमें किस तरह की वैल्यू आएगी. तो फॉर दैट वी हैव टू राइट एज देन राइट डबल इंट कैर वट एवर यू वॉन्ट यूज. अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर्स ही चाहिए, तो या तो इंट लिखोगे या डबल लिखोगे, राइट. वी राइट नंबर वन एज डबल कॉमा, उसके बाद दूसरा, अगर कोई नंबर मान लो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो दूसरा वेरिएबल चाहिए दूसरी वैल्यू के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी नाम दे दो. जैसे वाई दे दिया, वाई एज डबल.
then similarly if you want to take third number also you want to multiply three values ke main ek function banana chahta hu jahan pe teen values ko multiply karne pe answer aaye so just put comma write in third variable z as double put bracket in the next line jo bhi aapne function yahan likha the same name you have to write equal to फर्स्ट वेरिएबल जो भी लिया जैसे x लिया तो यहाँ x हो जाएगा y लिया है तो नेक्स्ट वाले पे y लगा लो बीच में मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई के लिए हम क्रॉस साइन नहीं लगाते x साइन नहीं लगाते उसके लिए स्टार सिंबल यूज होता है प्रोग्रामिंग में राइट सो विल राइट फर्स्ट वेरिएबल स्टार सेकेंड वेरिएबल तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर मल्टीप्लाइंग राइट एंड फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है जैसे आप पब्लिक फंक्शन लिख के एंटर करोगे ये एंड फंक्शन अपने आप आ जाएगा तो हमें बेसिकली ये फंक्शन का नाम लिखना है और ये पैरामीटर्स लिखने हैं और उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखनी है राइट एंड देन वी नीड टू सेव दिस एज ए मॉड्यूल हम इसको नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह सेव नहीं कर सकते हमें इसको सेव करना है तो हमें इसको सेव एज मैक्रो करना है राइट सो सेव करने के लिए यू जस्ट सेलेक्ट सेव एज टाइप में आपको एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक सेलेक्ट करना है यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मीनू है जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो तो वहां से आपको ये सेलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक नाउ सेव इट एनीवेयर वेयर एवर यू आर सेविंग राइट एंड इफ यू सी द सेव फाइल विल हैव XLSM एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट XLSX होता है जो नॉर्मल फाइल्स हैं यहाँ पे M आएगा लास्ट में तो यहाँ पर टॉप पे लिखा आएगा मैक्रो एज ए फंक्शन राइट दिस इज द नेम गिवन टू द फाइल पीछे डॉट XLSM इज एक्सटेंशन दिस मीन्स नाउ we have saved that macro right we have created that function hamara function create ho gaya ab uske baad us function ko jab use kaise karenge use karne ke liye jaise yahan pe ek table bana diya table mein ek column le liya hai quantity ek le liya price yahan pe mujhe wo formula lagana hai wo function wala jo multiply formula humne create kiya for that you have to go to function insert function button in the formulas tab तो यहाँ पे ऑटो सम और ये सब पहले से हैं इंसर्ट फंक्शन में आपके पास सारे जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो सारे अवेलेबल होंगे सो यू जस्ट क्लिक ऑन ऑल फ्रॉम हेयर एंड यहाँ से आपको सर्च करना है जो जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया था हमने बनाया था मल्टीप्लाई नाम से राइट द नेम वॉज मल्टीप्लाई तो यू हैव टू सर्च फॉर दैट मल्टीप्लाई फ्रॉम हेयर क्लिक ओके सो व्हेन यू क्लिक ओके तो वो आपको रेफरेंस पूछेगा ये फंक्शन आर्गुमेंट्स कौन से देने हैं आर्गुमेंट्स मतलब कि आपको ये दोनों सेल्स रेफर करने पड़ेंगे आपके आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे यू विल गेट टू डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स देयर इन विच यू हैव टू राइट दी सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वैल्यू सेल एड्रेस ऑफ द सेकेंड वैल्यू तो फर्स्ट सेल एड्रेस में आपको लिखना है ए फोर सेकेंड वाले में लिखना है बी फोर ताकि ये दो वैल्यूज पिक की जाए राइट एंड देन प्रेस एंटर सो विल गेट दी फंक्शन हेयर ऑटोमेटिकली Fine. So this is how we can create a function through macro and then we can use it. हम इसको Excel में करके देखते हैं See, I've already created this. As you can see, हमने ये विंडो ओपन कैसे होगी ये मैं आपको दोबारा शुरू से करके दिखाता हूँ जैसे ये this is the Excel file. ये मैंने टेबल बना रखा है पहले से I'll give a border to the table. यहाँ पे मुझे function डालना है but first of all we have to create that macro. Go to developer tab. यहाँ पे macros पे click करो right? Click on visual basic. Visual basic पे जैसे click करोगे यहाँ पे वो sheets दिखाएगा कौन कौन सी sheets आपके पास available हैं ये modules बने हुए हैं पहले से ये हमने module 1 बनाया था 2 बनाया था right? Now if I want to create one new module let's say so I'll go to insert यहाँ पे module select करना है here I have to type right so so I have to type public function right public be careful with the spellings public function give any name like I'll give multiply underscore 3
I'm giving this name because I'm using three variables. Put a bracket. पहला वेरिएबल मैंने ले लिया एक्स एज डबल कॉमा, नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया मैंने वाई एज अगेन डबल, एंड आई हैव टेकन वन मोर वेरिएबल जेड एज डबल. लेट्स टेक थ्री. बुक में दो दिए, हमने तीन लिए ताकि थोड़ा वेरिएशंस का भी पता लगे. पुट अ ब्रैकेट, प्रेस एंटर. द मोमेंट यू प्रेस एंटर एंड फंक्शन ऑटोमेटिकली कम्स बिकॉज फंक्शन अपने आप बनता है. अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई अंडरस्कोर थ्री इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड, राइट. सो दिस विल बेसिकली मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री वैल्यूज, वट एवर द वैल्यूज आर देयर एक्स वाई जेड, और तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई थ्री नाम का फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा. नाउ वी नीड टू सेव दिस, राइट. राइट, द मोमेंट यू सेव यू विल फाइंड एक्स एल एस एम नाम की फाइल बन गई, मॉड्यूल आपका बन गया, ये मॉड्यूल थ्री नाम से यहाँ पे सेव्ड है, राइट. Now the thing is, how do we use it? For that, let's move to the Excel file. हम यहाँ पे तीन, because we have used three, so we need three values. So we need one more value here. I'll put number one here, number two, and number three. So हमने तीन बना लिए. Right. Let's say we have two here. Now I want to put a formula here. So for that, go to insert. Sorry, go to formula. ये auto sum वगैरह है, average, min, max जो हम default use करते हैं. But हमने जो अभी नया बनाया वो use करना है. For go to insert function. यहाँ से आपको all select करना है कि by default सिर्फ होता है कि most recently used होता है. यहाँ पे आपको लिस्ट में वो फंक्शन नहीं दिखाई देगा. सो गो टू ऑल. नाउ सर्च फॉर द फंक्शन दैट यू हैव मेड. हमने बनाया था मल्टीप्लाई अंडरस्कोर थ्री नाम से. सो सी, ये रहा मल्टीप्लाई अंडरस्कोर थ्री. क्लिक ओके. नाउ इट विल आस्क यू के व्हाट आर द फंक्शन आर्गुमेंट्स. एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम देंगे ये फर्स्ट वाला सेल. आइदर यू कैन टाइप हियर E7 और यू जस्ट क्लिक ऑन दिस सेल, इट विल ऑटोमेटिकली कम. सेकेंड पे मुझे ये वैल्यू चाहिए और थर्ड पे ये वैल्यू चाहिए. सो यू कैन टाइप इट हेयर, इट विल ऑल्सो शो दी बट आंसर हेयर 2400 इज द आंसर, राइट. एंड क्लिक ओके टू अप्लाई, विल गेट द फंक्शन हेयर, राइट. डबल क्लिक हेयर टू सी इक्वल टू मल्टीप्लाई अंडर स्कोर थ्री, दिस दी थ्री वैल्यूज, राइट. और यू कैन टाइप दिस और ऑल यू कैन गेट इट फ्रॉम द इंसर्ट फंक्शन, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन यूजिंग मैक्रोस. Fine. The next part is so this we have done multiply and all function arguments. Select this. Okay, this is all done. And next session is about passing arguments. So when an external value is to be used by the procedure is a function that we created. Procedure भी बोलते हैं function को. So जब भी हमने कोई external value देनी है, it is passed to the procedure through variables. मतलब वो value जो है, हम उस procedure को या उस function को pass on कैसे करेंगे? Through variables. We always pass it through the variables. Like we just use x, y, z, three variables. Right, so these values which are passed to the procedures are called as arguments. The values that we pass, the values that we give to these three variables or whatever number of variables you have created, unko hum bolte hain arguments pass karna. And we declare these arguments one by one and we separate them with the help of comma in the brackets. Right, ye wo example hai. पब्लिक फंक्शन जो हमने किया था, एक मल्टीप्लाई बनाया है,
यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, नंबर वन नंबर टू, राइट। तो दिस फर्स्ट पार्ट इज द एक्सेस डिक्लेरेशन। एक्सेस डिक्लेरेशन दो तरह की होती है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है कि वट एवर फंक्शन वी आर क्रिएटिंग, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी प्रोसीजर इन इट्स मॉड्यूल। कोई भी प्रोसीजर इस फंक्शन को यूज कर सकता है, राइट। और प्राइवेट किया तो इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी प्रोसीजर ऑफ इट्स मॉड्यूल, बट इट कैनॉट बी एक्सेस्ड बाय अदर मॉड्यूल्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। नाउ इफ यू गो आउट ऑफ ए प्रोग्राम, इफ यू गो टू सम अदर फाइल, देन दिस फंक्शन कैनॉट बी यूज, बट इट कैन बी यूज विद इन दैट फाइल, राइट। प्राइवेट का मतलब है फाइल से बाहर, या दूसरे प्रोसीजर जो है उसको ये नहीं, या दूसरे प्रोग्राम जो है इस फंक्शन को नहीं यूज कर सकते। पब्लिक का मतलब हर कोई यूज कर सकता है, इट कैन बी यूज इन विद इन द मॉड्यूल ऑल्सो, आउटसाइड द मॉड्यूल ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है ये स्पेसिफाई करता है, राइट। दिस फंक्शन विल टेल यू द टाइप ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं या सब लिखते हैं, राइट। एंड दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, जैसे हमने मल्टीप्लाई अंडरस्कोर थ्री बनाया था, ये मल्टीप्लाई नाम से प्रोसीजर। दिस इज नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द प्रोसीजर। इन ब्रैकेट्स वी गिव टू वेरिएबल्स, इन दोनों वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स, राइट। नंबर वन एंड नंबर टू आर, दीज आर द टू आर्गुमेंट्स दैट वी यूज इन दिस प्रोसीजर कॉल्ड एज मल्टीप्लाई, राइट। ये नाम जो है प्रोसीजर अलग अलग हैं, जैसे कुछ आप इफ यू इन हायर क्लासेज विल कम टू नो दैट, इन इफ यू टॉक अबाउट जावा देयर वी कॉल देम मेथड्स, इफ यू टॉक अबाउट सी प्लस प्लस लैंग्वेज वहाँ पे हम उसको फंक्शंस बोलते हैं, और इसमें विजुअल बेसिक में प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम सबका सेम होता है, नाम अलग अलग है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, जब मैं फंक्शन बोलता हूँ तो फंक्शन मीन्स प्रोसीजर ओनली, राइट। So variables we have to use, these variables are called as arguments, and then data types is to be mentioned. As I told you that agar number use karne hai, toh we'll write it int, and if you want to use a number with the decimals also, then we use double, and for alphabets we use characters, single alphabets, and for group of alphabets, that means a word or a sentence, we use string. So there are different kinds of data types. So this will do in detail in higher classes also, right? And these things are to be kept in parentheses, brackets में डालना है, curly bracket के अंदर लिखना होता है. So the parentheses is also important. Set of parentheses after the procedure name is the function, in the function. If empty, it means procedure does not receive any argument. कई बार होता है कि हम सिर्फ method लिखते हैं, उसके अंदर variables नहीं बनाते हैं. तो इसका मतलब उस मेथड में वेरिएबल्स नहीं जाएंगी, वैल्यूज जो है पास ऑन नहीं होंगी, राइट। इट हैपेंस समटाइम्स, डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम दैट वी क्रिएटिंग, एंड इफ इट इज डिक्लेयर्ड देन आर्गुमेंट्स आर देयर एंड द डेटा टाइप्स ऑफ दोज आर्गुमेंट्स आर आल्सो देयर, एंड व्हेनेवर वी कॉल दैट प्रोसीजर, व्हेनेवर वी कॉल दैट फंक्शन, देन द आर्गुमेंट्स आर यूज्ड, राइट। When we talk about arguments of a macros, we want Excel VBA to perform some actions rather than to return a value. ये returning का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी procedure है ना, जैसे अभी हमने जो बनाया, उसमें होता है कि the if you talk about के how it is working, जितने भी procedures हैं वो हमें कोई ना कोई value return करते हैं, right? और रादर हम एक्सेल में क्या करते हैं कि वी डोंट वांट द प्रोसीजर टू रिटर्न, वी वांट डोंट वांट टू परफॉर्म द एक्शंस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स योरसेल्फ, यू वांट द एक्सेल टू डू इट ऑटोमेटिकली, राइट। सो इफ वी वांट दैट एक्सेल टू परफॉर्म सम एक्शंस रादर देन टू रिटर्न, इफ यू वांट के स्ट्रेट अवे यहीं पे कुछ एक्शन हो जाए, मैं आई डोंट वांट टू रिटर्न दीज वैल्यूज, हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहीं पे एक्शन करना है, तो इन दैट केस इन प्लेस ऑफ दिस फंक्शन वी राइट एस यू बी सब। सो प्रोसीजर इज रिटन विद सब कीवर्ड व्हेन यू वांट योर प्रोसीजर टू डू सम एक्शन एंड डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू, राइट। अगर आप फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन क्रिएट होता है, जो हम इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है, स्ट्रेट अवे वांट द सम एक्शन हेयर, देन वी डू राइट सब हेयर, राइट।
अब इसकी ज़रूरत क्या है, ये ऐसा क्यों करते हैं? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि चलो हमने तो सिंपल सा एग्जांपल किया कि हमने एक फंक्शन बनाना है। इन सम केसेस देर आर सर्टन कोड, लाइक एक मैं बताता हूँ आपको, वी हैव डन रिसेंटली कि जैसे हमारे पास एक वर्कबुक है, उस वर्कबुक में 15 डिफरेंट वर्कशीट्स हैं। आई वॉन्ट कि मैं हर वर्कशीट की अलग अलग फाइल बना दूँ अलग अलग वर्कबुक में, ठीक है? नीचे जो टैब्स होते हैं ना, लेट्स से देर आर 15 टैब्स, आई वॉन्ट टू डिवाइड देम इन टू सेपरेट फाइल्स। सो फॉर दैट वट कैन आई डू इज आई कैन राइट सर्टन प्रोसीजर हेयर इन दिस वीबी स्क्रिप्ट, इन दिस ऑप्शन डेवलपर टैब में हम एक यहाँ पे प्रोसीजर बना सकते हैं, और जब भी हम उसको रन करेंगे तो वो फाइल्स की कॉपी करके अलग अलग फाइल्स में, और टैब्स की कॉपी करके, शीट्स की कॉपी करके अलग अलग फाइल्स में क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। आई डोंट वॉन्ट रिटर्निंग ऑफ ए वैल्यू, आई डोंट वॉन्ट टू यूज इट एज ए नॉर्मल फंक्शन इन दी इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन, मैं यहीं पे यूज करना चाहता हूँ। तो इन दिस केस आई यूज सब इन प्लेस ऑफ फंक्शन, राइट? सो सब यूज करके हम यहीं पे नीचे जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमने यहाँ लिखा था इक्वल टू, वी हैव रिटन ओनली वन सेंटेंसेस, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू नंबर वन प्लस स्टार नंबर टू। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट दोज इंस्ट्रक्शन टू कॉपी द वर्कशीट एंड देन पेस्ट इट इन टू न्यू डिफरेंट फाइल, राइट? फॉर दैट वी नीड टू राइट सर्टन इंस्ट्रक्शन। वो राइट कैसे करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, विल नॉट डिस्कस दैट, बट दिस कैन बी डन। सो इन इन दैट केस विल पुट ओनली सब इन प्लेस ऑफ फंक्शन, राइट? सो लेट अस ट्राई पासिंग द वैल्यू इन डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट वेज टू ए मैक्रो यूजिंग सब प्रोसीजर। नाउ सब के ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं यहाँ पे। सो इन ए प्रोसीजर एज ए सिंगल वैल्यू, एज ए मल्टीपल वैल्यू, बाय रेफरेंस, बाय वैल्यू। तो ये प्रोसीजर्स की अलग अलग तरीके हैं सब फंक्शन को यूज करने का। सो लेट्स डू वन बाय वन, बट ऑल थिंग्स आर गिवन हेयर इन द बुक, राइट? पासिंग आर्गुमेंट्स एज ए सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू अगर पास करनी है उसके लिए क्या करना है? सो गो टू डेवलपर टैब, वीबी एडिटर, इंसर्ट अ मॉड्यूल, और यहाँ मॉड्यूल के अंदर हमने यहाँ देखो क्या लिखा है, पब्लिक सब मार्क्स वैल्यू वन, राइट? और यहाँ लिखा है एमएसजी बॉक्स वैल्यू वन। सो दिस विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोसीजर इन द मॉड्यूल। सो प्रोसीजर का जो भी नाम है वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? तो आफ्टर राइटिंग दिस गो टू फाइल, सेव इट, अगेन सेव इट इन दिस फॉर्म मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। गो बैक टू द एक्सेल विंडो, क्लिक ऑन मैक्रोज कमांड एंड फ्रॉम द कोड ग्रुप देयर। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस मैक्रो कमांड यू विल नॉट बी एबल टू व्यू द मैक्रो सेव्ड बाय यू, विल नॉट बी सी दिस वट एवर यू हैव सेव्ड हेयर, राइट? नाउ क्लिक ऑन द मैक्रो नेम बॉक्स एंड टाइप द नेम ऑफ द मैक्रो देयर एंड द आर्गुमेंट यू वॉन्ट टू पास, राइट? या नेम बॉक्स में जाके आपको नाम टाइप करना है, राइट? सो लाइक मार्क्स 67 नाम हमने टाइप किया फॉर एग्जाम्पल, राइट? एंड देन क्लिक ऑन रन बटन। रन बटन होता है टॉप पे, ये वाला ग्रीन जो बटन है, दिस इज रन बटन। सो क्लिक ऑन दिस रन बटन एंड यू विल सी अ सेपरेट आउटपुट विंडो विल कम, जहाँ पे आपको एक मैसेज बॉक्स अलग से खुलेगा, जहाँ पे आपको वही वैल्यू लिखी होगी जो यहाँ मार्क्स के साथ हमने लिखी है। तो कर क्या रहा है, बेसिकली नेम में से जो इंडिविजुअल आर्गुमेंट है, राइट? आर्गुमेंट मतलब जो वैल्यू लिखी गई थी, वो वैल्यू पिक करके इट विल ट्राई टू रीड दैट वैल्यू एंड शो अस इन ए डिफरेंट मैसेज बॉक्स, ठीक है? लेट्स ट्राई दिस, इसको एक बार करके देखते हैं। ओके, आई विल गो टू, ओके, लेट्स गो टू इंसर्ट, क्रिएट ए मॉड्यूल, मॉड्यूल पुराना वाला मॉड्यूल बंद कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो व्हाट वी विल राइट हेयर, विल सिंपली राइट
पब्लिक सब नॉट फंक्शन, और पब्लिक पिछली बार हमने फंक्शन लिखा था, अब हमने सब लिखा है, और इसको हमने दिया है मार्क्स, और वी हैव टू असाइन ओनली वन वैल्यू, वैल्यू वन, राइट, एंड एम एस जी बॉक्स है कि एम एस जी बॉक्स ही है, और यहाँ पे हमने लिखना है वैल्यू वन, राइट। सो मैसेज बॉक्स मतलब एक अलग से बॉक्स बने, उसमें वैल्यू वन की वैल्यू आ जाए। मार्क्स के आगे हम जो वैल्यू वहाँ दिखेंगे टाइटल में, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सेव द फाइल, राइट, व्हाट इफ एनालिसिस, XLSM, now just go back to that file, I'll go to the Excel file, ये दो files अलग अलग खुलती हैं, आप देख सकते हो, एक ये file है, एक हमने पहले खुली थी जैसे ही हो, it's a separate window basically, right, now what we need to do is go to developer tab, click on macros, now you'll find nothing has been shown, क्लिक ऑन द मैक्रो नेम हेयर, हमने वहां पे नाम दिया था, व्हाट वाज द नेम गिवन, मार्क्स, मार्क्स एंड पुट अ नंबर, लेट्स से 80, राइट, एंड देन मार्क्स लिखा था कि मार्क लिखा था, हाँ मार्क था, राइट, सो Let me check also. Marks ही था. So marks and then click on this run button, right? Reference is not. There is some problem before we fine. So I'll do it again once. Go to macros. Type the name of the module we created, marks procedure. Then click put a value, let's say 100, and put the things in single inverted commas and click on run, we'll get that output over here in this separate message. Click OK to exit. Fine, so next thing in this is passing on a single argument. You can also pass on two different arguments, right? Like this one, right? Value 1, value 2, arguments are used here, two with different variables are used, and the message box mein likha hai value 1, @, inverted comma, space, inverted comma, @, use code, inverted comma, this line basically is that message box mein printing kaise karni hai, pehle value 1 ki value print ko, ye and jo symbol hai wo add karta hai, ki aur kya add karna, aur kya print karna hai, uske baad ek space print ho, कि नॉर्मली व्हेन यू प्रिंट टू वैल्यूज देयर सो इट विल नॉट प्रिंट द स्पेस बिटवीन दीज टू वैल्यूज राइट सो अगर ये हम नहीं डालेंगे तो वो स्पेसिस नहीं आएंगी आप दोनों वैल्यूज कंबाइंड हो जाएंगी एक वैल्यू दिखेगी वो राइट सो वैल्यू वन पुट अ स्पेस यूजिंग एंड एंड यूज कोड ये एक टेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद सो आंसर विल बी लाइक दिस आई विल शो यू द आंसर फर्स्ट राइट यहाँ पे लिखा है मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा में वरुण कॉमा 67 वरुण यूज कोड 67 तो ये यूज कोड अपने आप कैसे ऐड हुआ दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट राइट इन्वर्टेड ये यहाँ पे स्पेस उसके बाद यूज कोड बिकॉज वी हैव रिटन दिस इन इन्वर्टेड कॉमा सो इट विल रीड एंड प्रिंट एज इट इज देन एंड देन वैल्यू टू सो वैल्यू वन की वैल्यू फिर स्पेस फिर यूज कोड फिर वैल्यू टू की वैल्यू राइट The method is same, everything is same, only the difference is that you have to give two spaces, two values here, right? So rest all is same. So let's do this one also.
चलो एक अलग से मॉड्यूल बनाते हैं, गो टू मॉड्यूल 3, राइट, एंड आई कॉपी इट फ्रॉम हेयर, यू कैन कॉपी ऑल्सो. यहाँ पे मैंने लिखना है वैल्यू 1 और वैल्यू 2 और मैसेज 1 में टू पुट एंड इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देन एंड इन्वर्टेड कॉमा व्हाट वाज़ द टेक्स्ट यूज कोड यूज कोड then and again inverted comma space inverted comma then and then value 2. Spelling of value is wrong, right? So this is there. Now go to file, click on save. Give spaces. Spaces are important over here. Spaces देना जरूरी है. Now save this file. Save whatifanalysis.xml. Go back to the file. Move to the Excel file, and then click on macros. यहाँ पे हमने लिखना है marks और पहले वैल्यू 1 थी उसमें मान लो मैं नाम देता हूं गौरव एंड देन लेट्स से 99 और ये सारा कुछ इन्वर्टेड कॉमास में इन्वर्टेड कॉमा मार्क्स इन डबल इन्वर्टेड कॉमा गौरव नाउ द नेम्स आर टू बी रिटन इन डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन द वैल्यू 100 and inverted comma, single inverted comma, right? और यहाँ पे comma भी आएगा because दो values हैं, right? So What was the name of the macro? Marks ही था, marks ही है. Right, we'll change this. The problem over here is that we have used the same name, so we have to change. I'll put marks 1 here and then save it. Let's go there and check. Go to macros. Marks 1. Okay, let's continue. I was just talking about the macros. So what problem was there that we have to use a different name for this module because the previous module and this module have the same name. So I changed this into marks 1 now, right? And the same sentence I've written here. Now let's see this in the Excel file. Go to the Excel file, click on macros and write marks 1. Always start with single inverted comma, marks 1, space. The name that you want to give should be written in double inverted comma, put a comma, and then put a number, and closing with the single inverted comma. Click on run. You'll see Gaurav is the first value, value 1. Use code will be taken in the print statement, and 100 will belongs to value 2. So this is how we can use two different arguments for one
for passing on the values, right? So we passed on two different values over here. Fine. Okay, hello everyone. One more topic I wish to add up. That is your passing argument in the procedure by refreshing using byref, right? So in this situation, procedure which is called supplies the argument by its address to the calling procedure. So basically, we are not passing on the values, we are just passing on the address of the values, right? So we are not the original values. By doing this, the original value of the argument get dismissed, right? So if this procedure, this process is called as passing argument as a reference. So we are not passing the values, we are passing the reference of the values, right? So on the value hai uska reference pass on hota hai, value pass on nahi hoti, right? Rest all the same, let's see how to do it. Now again open a workbook. So we are using the same passing arguments to a macro workbook, and go to the Visual Basic button and you'll find this interface. Then again go to insert and click on module. Now you need to change the name of the module earlier. So this module is module 2 now. So you can observe the module 2 has been added, and then you have to write this code here. Now remember, this code is public sub marks number as integer, call marks number, then message box is marks and then number and sub, then private sub call marks by reference x as integer and x is equal to 100 and sub. So this is this coding you have to add up. Now when you write by reference here, as that means this x variable will have will pass on the it will not pass on the values, it will only passing on the reference where that value is saved, right? So that's the only difference between this. So rest all the same, can save the module with that same extension. And so click on the save button to save it, and go back to the Excel window wherever we are working. Then go to that macro command, and you just type the name of the macro. Now the name was mark here, right? So the mark and then pass on the value 10. So we are not passing the value here, basically we are passing the reference of this value 10, right? So when you type this and when you run this command, we'll get marks 100. So see, 10 was passed, but the value we get 100 here, because that value we have called from here, x has been called from here as, and only 100, this 100 value will be picked up. Fine. Let's just have a look also. Go to insert module. This is module 6 now. I've already added 4, 5. So public sub. The name we need to change. Marks 1 kar diya, 2 kar lete hain. Aur yahan pe hum single value hi lenge. Value 1. Right. As integer, and here we'll type call marks and value 1 here. Then we put message box here, MSG box,
And what do you need to print? We want to print marks and the value of the variable value 1, right? Then we'll write that second function. For second function, we need to write private, not public. We are making it private so that the value can only be used within this function, not outside this. Now, so yahan pe humne call marks ko call karna hai. Call marks ye wala hai jo upar humne create kiya tha. And by reference x as integer, and here we'll write down, we'll assign a value x is equal to 100, right? And we are not going to print anything here in this module, right? Click on save button. File has been saved. Now let's just go to the Excel file, click on macros, and the name we gave here was marks 2. Light marks 2, first of all inverted comma, then marks 2, and let's say I put 10 here, inverted comma, close, click on run button. We get marks 100 here now, right? Because it is a private kind of data, right? So we are just passing the reference of one value into another value, one module into another module, right? Okay, then moving further, then we have passing arguments in the procedure by value using by val option. Now here, what do you mean by this? The function which is called makes a copy of the value supplied to the argument and then send the copy to the procedure, by which the argument itself does not get accessed. The argument is itself is not being accessed. Whatever argument is there, whatever value is assigned, that copy of that value is supplied. So a copy of that value is created. Earlier we passed on the reference, now we'll pass on the copy of that value. This is called as passing arguments as value, not as a copy, right? Not as a reference, it's just creating a copy of the value, and that copy of the value is passed on, right? So here also, so we have used by val here instead of by ref. So when you root by val, so the copy of the value is created 100. So in the end, when you do the calculations, whatever value we pass on here, 10, so 10 will get here, right? So whole process is same. You just go to the same workbook, go to the Visual Basic button, type the same command, right? The only difference is here that in place of by ref, we have written by val. Rest all is same. And when you save this file and run with this name, marks 10. So, and run the file, we'll get marks 10 exactly value, because the copy of the value is created in place of reference. Earlier we used to pass in the reference, right? So rest all is the same. Right. The next we have Excel style directly means to read the data from Excel by Visual Basic, right? For this we have to reference the cell object or the range object in the worksheet, right? So object we have to reference.
Object refers to single entities of the code or data in the Excel, right? Excel itself an object references application in VBA. Other than this, there are many objects in Excel. Some of them are workbook, workrange, range of worksheets, etc. So there are different kind of objects which we can use in Excel VBA, right? So a lot of objects can be used. It can be a data, it can be a worksheet, it can be a range of worksheet or the chart or so. And methods, we just have used certain methods. Each and every object in Excel has its properties called. Now every object has called some certain methods also. The methods are basically the properties of that particular object, right? And for example, a range object, we can use value method, we can use sort method to arrange them in order. We can use column, row, width, such kind of methods can be used. And all the methods are separated by a dot operator, right? So how do we get data from the worksheet cell using these objects? For that, the syntax is write cells, row number, comma, column number, right? As you can see here in right message box, cells 1 comma 1, 1 comma 1 means row number 1 and column number 1. So whatever value is written in this cell, it will be displayed. Right? When you pass on, when you run the function, when you run the macro module here, just type the macro name and click on run, we'll get the answer hello. Why? Because hello is written in this cell number 1 and 2. Right, so this is how we can do it. I'll just move on to the Excel sheet to show you the same. So I will put a word here, hello, let's say in A1, A2, cell 1 and cell, row number is also 1 and column number is also 1. And let's go to VB window. Now, open the VB editor. Let's create another module in this. Go to insert module and let's type simply sub cell data, name of that reference is cell data, and MSG box. We write cells method, first row and first column, right? Save the file. Go back to Excel. Click on macros. So cell date is being written, actually then it should be data, but I have mistyped it in date. So click on run, you'll find this hello here. Now how this hello is being it has been readed from here, this particular cell, row number one, cell column number one, right? So this is how we can read data from the cell, from the sheet into the different modules that we can create. Okay, we can also use a range, and from the range we can just pick up one particular value, and that can be displayed in this message box. For that, you have to use this range method. So in the range, we have to write the range of the cell addresses and then the name of the method they want to use, right? So like, for example, this is the cell, these are the cell values. There are six values entered in this A1 to A6.
and then go to insert module, go to module, and now the message that we want to type is msg box range bracket in the range which value you want to pick up. Like I want the value, whatever is the value within A5, right? So I want to pick up that A value in the cell A5, and then for that I have to put value keyword after that dot value. So it will reach out in the value, and it will reach out the sheet, and it will try to find whatever value is there in A5. Right now, if you run this macro, then you'll find Tech Mahindra, because in A5 the value entered is Tech Mahindra. So it is basically finding out value from a range, right? Let's have a look on this. I'll again create our different module, or let's change the same, or let's take another insert module and I'll put range here, and in range we need to give the cell address, let's say A5, right? Put dot value, right? And the name we need to change, the module name. And now earlier write date, a date cell underscore date. Now I'll put cell underscore data, right? Or data one, let's say. Save the file, go to Excel file. Now let's say we have certain values over here. Amit, Ajay, likewise certain more values. I'll put hello in the first two. So we have Amit as at A5, so Amit should come. Let's run the macro. So cell date was in cell data one was a name, click on run. So Amit value has been picked up. So in this way we can just specify the name of one particular cell address.